मनोज तिवारी बनाम नेहा राठौड़, रोहिणी आचार्य बनाम राजीव प्रताप रूड़ी, सोनिया की सीट से नुपुर शर्मा को टिकट। लोकसभा चुनाव में तीन बेटियों की होगी दिलचस्प जंग। नेहा राठौड़, रोहिणी आचार्य और नुपुर शर्मा, 2024 के लोकसभा चुनाव में तीन बेटियां क्या कोई बड़ा उलटफेर करेंगी? अगर इनको लेकर चल रही अटकलें सही रही तो फिर 2024 के चुनाव में इन सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नेहा राठौड़ की। सिंगर नेहा यूपी में काबा गाने से बहुत सुर्खियों में आई थी और अब चर्चाएं चल रही हैं कि लोकगीत सिंगर नेहा सिंह राठौड़ भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नेहा सिंह राठौड़ को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है और उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के सामने उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में सिंगर बनाम सिंगर की लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। इससे पहले नेहा सिंह राठौड़ मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पहुंची थी, जिसके बाद से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार बहुत गर्माया था। आपको बता दें, नेहा सिंह राठौड़ अपने गानों से अक्सर बीजेपी पर निशाना साधती रहती है। बीजेपी की जब पहली लिस्ट आई थी तो उसमें चार भोजपुरी स्टार्स के नाम थे। बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट में ही मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और पवन सिंह को टिकट दिया गया था। इसको लेकर भी नेहा सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा था। वहीं एक और नेता जो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, उनको भी टिकट मिल सकती है और वो है नुपुर शर्मा। और चर्चाएं हैं कि नुपुर शर्मा को कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ से टिकट मिल सकती है और बीजेपी रायबरेली से उनको चुनावी मैदान में उतारने के बारे में विचार कर रही है। रायबरेली ही कांग्रेस की ऐसी इकलौती लोकसभा सीट है जहां 2004 से सोनिया गांधी अजय बनी हुई है। हालांकि सोनिया गांधी इस बार यहां से नहीं लड़ने का ऐलान कर चुकी है। उनके राज्यसभा जाने से यहां पर कांग्रेसी प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की मांग कर रहे हैं। नुपुर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। नुपुर 2 साल पहले बड़े विवाद का हिस्सा बनी थी जब उन पर कथित तौर पर पैगम्बर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के आरोप लगे थे। इसके बाद कई शहरों में हिंसा की वारदात हुई थी, उनको धमकी भी मिली। विवाद के बीच बीजेपी ने उन्हें निलंबित किया था। लेकिन अब अगर नुपुर चुनाव लड़ती है तो रायबरेली की लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी। वहीं अगर तीसरी बेटी की बात करें तो वो है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। रोहिणी की भी सियासी मैदान में एंट्री की अटकलें काफी हैं। खबरें हैं कि रोहिणी बिहार की छपरा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ हो सकता है। कुछ दिन पहले भी रोहिणी आचार्य जनविश्वास महारैली के दौरान मंच पर नजर आई थी, जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बेटी रोहिणी आचार्य की जमकर तारीफ की थी। लालू प्रसाद यादव ने रोहिणी आचार्य का नाम लेकर उन्हें जीवन दान देने की बात कही थी। परिवार बात है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य ने ही लालू यादव को अपनी किडनी दी है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चर्चाओं में आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।